हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हमने जो है अपनी लास्ट वीडियोस में मिडिविल हिस्ट्री को कवर किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। यहाँ से हमारी जो यूरोपियंस हैं, राइट, वो हमारे भारत में अब जो है आना स्टार्ट कर देते हैं। तभी से हम बोल सकते हैं उस टाइम पीरियड को हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री बोल लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था मिडिवल हिस्ट्री में कि जो मुगल्स थे, राइट, उनका यहाँ पे रूल हुआ करता था, राइट। अब जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे भारत में पहुंच चुके हैं, एंड इवन देन उसके बाद में जो है पोर्चुगीज हैं, डच हैं, राइट, ये सारे हमारे भारत में जो है पहुंच चुके हैं, राइट। सो फर्स्टली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट में किस तरह से जो है अपनी पावर को वो इस्टेब्लिश करती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ फ्रॉम ट्रेड टू द टेरिटरी, तो ये भी चीज जो है आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है कि जो ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए थे वो जस्ट यहाँ पे व्यापार करने के लिए ही आए थे, ट्रेड करने के लिए ही आए थे। ओके, बट जो है बाद में जो है क्या करते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे ओनली ट्रेड करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमें जो है पूरी टेरिटरी को जो है अपने कंट्रोल में करना चाहिए। तो किस तरह से जो है ऑल ओवर द इंडिया, जिस तरह से जो मुगल एम्पायर थी, हमने देखा था कि ऑल ओवर द इंडिया उनका यहाँ पे जो है रूल हुआ करता था, राइट। तो उसी तरह से अब जो है उनके बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरी इंडिया में जो है अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू द टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश देयर पावर। ओके, सो औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। औरंगजेब जो है वो लास्ट मुगल रूलर नहीं थे जिन्होंने रूल किया था। हाउएवर औरंगजेब के बाद में जो है और भी कई रूलर थे, बट जो है वो अगर पावरफुल रूलर्स की बात करें तो औरंगजेब जो है वो सबसे पावरफुल रूलर थे अमंग दी मुगल रूलर्स, राइट। तो हमारे इंडिया के ऊपर जो है जो लार्ज टेरिटरी है उसके ऊपर उनका यहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था। बट 1707 में हमने देखा था अपनी मिडिवल हिस्ट्री में कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो कई ऐसे मुगल रूलर्स थे जो कि एक तरह से इतने एबल नहीं थे कि वो जो है अपने अंडर उनके जितने भी गवर्नर्स होते उन्हें वो संभाल पाते, या फिर इतनी बड़ी टेरिटरी को वो यहाँ पे संभाल पाते। इतने एबल रूलर वहां पे नहीं आते हैं औरंगजेब के बाद में। ओके, तो हमने देखा था कि कई सारे जो मुगल गवर्नर्स थे, जिसे हम सूबेदार्स भी बोल सकते हैं, बिग जमींदार्स भी बोल सकते हैं, कि वो जो है अपनी अथॉरिटी को एसेट कर लेते हैं, मीन वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। किस तरह से जो है उन्होंने अपनी जो है इंडिपेंडेंस को गेन किया था, इसके बारे में भी हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोज में देखा था। ओके, एंड अपने खुद के जो है रीजनल किंगडम्स वो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कई सारे पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो हैं वो हमारे वेरियस पार्ट्स में इंडिया में जो है वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो दिल्ली अब जो है, जो कि एक समय में मेन सेंटर हुआ करता था मुगल्स का, बट जो है वो अब इस समय में आके जो है वो मेन सेंटर नहीं रहता है, लेट 17 एंड 18 सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो। सो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18 सेंचुरी नई पावर जो थी हमारे पॉलिटिकल हॉरिजॉन में, अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो एक नई पावर जो थी वो यहाँ पे इमर्ज हो रही थी, वो कौन से थे, वो थे ब्रिटिशर्स। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब ईस्ट में आती है, राइट। किस तरह से जो है वो अपने अपनी जो पावर को अपने जो है वहां पे बंगाल के आसपास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे किस तरह से वो पहले फैक्ट्रीज बनाती हैं, देन इन फैक्ट्रीज को जो है वो क्या करती हैं, फोर्टिफाइड करती हैं, फोर्ट्स बनाती हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है अपनी पावर को वो वहां पे इस्टेब्लिश करती हैं सबसे पहले। तो क्या था यहाँ पे 1600 की अगर हम बात करें, राइट, 17 सेंचुरी की ही अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे जो है इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ I, वो जो है एक चार्टर दे देती हैं कि वो इस चार्टर के थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सोल राइट मिल जाता है कि वो ईस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है यहाँ पे, राइट, ईस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है वहां पे वो व्यापार कर सकते हैं। तो इस चार्टर का क्या मतलब था कि नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कोई और ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता है। एंड विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस। इस चार्टर के अधीन यहाँ पे जो है उन्हें ये भी राइट मिल जाता है कि ओशंस में जो है वो यहाँ पे व्यापार कर सकती हैं, घूम सकती हैं फ्रीली, राइट, एंड नई लैंड्स को यहाँ पे फाइंड कर सकती हैं, एंड विच इट कुड बाई गुड्स एट अ चीप प्राइस। ऐसी लैंड को वो यहाँ पे जो है खोज सकती हैं, देख सकती हैं, सर्च कर सकती हैं, यहाँ पे उन्हें जो है चीप प्राइस पे गुड्स मिले, एंड कैरी देम बैक टू द यूरोप टू सेल एट द हायर प्राइसेस। एंड उन चीजों को जो कि उन्हें सस्ते रेट पे वहां पे मिल रही थी उन्हें जो है वो वापिस यूरोप में लेके आए टू सेल एट द
हायर प्राइसेस, जो कि उसे जो है वो हायर प्राइसेस पे जो है वो वहां पे बेच सके। तो क्या था यहाँ पे, कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो इस चार्टर के अंडर क्या होता है कि कंपनी जो है उसे अब जो है कंपटीशन का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज में से, राइट। तो अब जो है लोकल एरिया में जो है उन्हें एक तरह से जो कॉम्पिटिशन होता है उससे वो बाहर आ चुके थे। तो क्या था यहाँ पे, उस समय के जो मर्चेंट्स होते हैं, जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो क्या करते थे कि इस तरह से जो है कंपटीशन से बाहर आ जाते थे एंड सस्ती चीजों को वो खरीद लेते थे दूसरी लैंड में से, जैसे ईस्टर्न कंट्रीज में से सस्ती चीजों को वो खरीद लेते थे एंड वहां पे जाके जो है यूरोप में जाके इसे जो है वो महंगी बेचा करते थे, ओके। बट इस रॉयल चार्टर के बावजूद भी जो दूसरी यूरोपियन पावर्स होती हैं, राइट, जैसे पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, वो जो है यहाँ पे, हाउएवर इस चार्टर के अंडर जो इंग्लैंड की दूसरी जितनी भी कंपनीज होती हैं वो तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं दे सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट जो दूसरी यूरोपियन पावर्स हैं जैसे पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, राइट, ये जो है ये यहाँ पे हमारे भारत में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी जो है अब ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इन यूरोपियन पावर्स के साथ जो है कंपटीशन चलता ही है। सो बाय द टाइम जो फर्स्ट इंग्लिश शिप्स होती हैं वो कहाँ पे आती हैं, दिस सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है वहां से जो है निकलते हुए केप ऑफ गुड होप से जाते हुए वो है हमारे इंडियन ओशन में पहुंच जाते हैं, ओके। एंड यहाँ पे जो पोर्तुगीज थे, तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है कि सबसे पहले यूरोपियंस जो थे वो कौन से थे यहाँ पे जो हमारे भारत में पहुंचे थे, तो वो पोर्तुगीज थे, राइट। सबसे पहले पोर्तुगीज जो है वो हमारे भारत में पहुंचे थे, उन्होंने ही जो है इस रास्ते की जो है सर्च की थी, जो कि वेस्ट कोस्ट जो है अफ्रीका का, दी केप ऑफ गुड होप से वो सेल होते हुए हमारे इंडियन ओशन में पहुंच जाते हैं, वहां से जो है हमारे जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, राइट, गुजरात के आसपास का जो कोस्ट है वहां पे जो है वो पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले पोर्तुगीज, कौन से यूरोपियन थे, पोर्तुगीज जो थे वो हमारे भारत में पहुंचे थे। तो जब तक जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लिश है वो हमारे भारत में पहुंचते हैं, वो सेल करते हुए यहाँ पे आते हैं, तो तब तक जो है पोर्तुगीज जो है वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, वहां पे जो है अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश कर चुके थे एंड उनका जो बेस है वो कहाँ पे था, गोवा पे जो है वो बन चुका था। एंड इनफैक्ट वास्को डी गामा जो है वो ऐसे पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने जो है इस सी रूट को फाइंड किया था टू दी इंडिया, कब किया था, 1498 में किया था। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो बाय दी अर्ली 17th century जो डच होते हैं वो भी जो है एक तरह से हमारे इंडियन ओशन में ट्रेड की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसे वो एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड देन जल्दी ही जो फ्रेंच ट्रेडर्स होते हैं वो भी अब इन मार्केट्स में जो है वो घुस रहे थे, वो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो होते हैं यूरोपियन पावर्स को दे रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो जो है उनकी लोकल मार्केट्स में तो है उनका कंपटीशन खत्म हो जाता है, पर जो दूसरी यूरोपियन कंपनीज होती हैं या फिर यूरोपियन पावर्स थी, पोर्तुगीज, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, उनके साथ जो है इन्हें यहाँ पे आके कंपटीशन करना ही पड़ता है, ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि ये सारी ही कंपनीज जो थी, जितनी भी यहाँ पे यूरोपियन पावर्स थी, वो सेम थिंग्स को जो है बाय करने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि हमारे भारत का जो कॉटन था या फिर जो सिल्क थी, राइट, उसकी जो है यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो ये जो कि हमारे इंडिया में जो कॉटन था, जो सिल्क था, वो काफी फाइन क्वालिटी का बनता था, तो इसकी जो है काफी ज्यादा डिमांड थी वहां पे यूरोप में, ओके। दूसरी तरफ जो मसाले होते हैं, पेपर हो गए, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन हो गए, राइट, ये भी जो है काफी ज्यादा डिमांड में थे वहां पे यूरोप में, ओके। तो क्या था यहाँ पे, जब कंपटीशन इन कंपनीज के बीच में, इन यूरोपियन कंपनीज में जो है स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंपटीशन की वजह से इन चीजों के, ये जो कॉटन सिल्क हो गए या फिर ये जो सारे मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गए, इनके जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ओके। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, जिसकी वजह से क्या रहता है कि जो प्रॉफिट इन्हें मिला करता था वो अब थोड़ा सा डाउन चला जाता है, ओके। तो ओनली वे, अब ओनली वे इनके पास क्या बचा था, इन सारी कंपनीज के पास ये था कि वो जो है इन राइवल कॉम्पिटिटर्स को जो है एलिमिनेट करें, मीन जो है इन्हें इस एरिया से वो भगा दे एंड खुद यहाँ पे व्यापार करें,
ओके तो क्या था यहाँ पे, इसकी वजह से अब हमें जो है फीर्स बैटल्स जो है इन कंपनीज के बीच में, इन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में जो है वो देखने को मिलती हैं। तो थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरीज वो जो है एक दूसरे के शिप्स को जो है डुबो देते थे, एक दूसरे के जो राउट्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उसे जो है वो ब्लॉक कर देते थे। एंड इवन जो है जब सप्लाई हुआ करती थी चीजों की, उसे भी जो है वो रोका करते थे, एक दूसरे के शिप्स को जो है रोका करते थे। एंड ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन। अब जो व्यापार है वो किस तरह से किया जाता था, अपने साथ जो है वो हथियार भी रखा करते थे। ओके एंड इवन जो है जो ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करती थी इनकी, उसे जो है वो फोर्टिफिकेशन के थ्रू, मीन उसकी किलाबंदी करके उसे जो है वो प्रोटेक्ट भी किया करते थे, सो डेट की जो दूसरी कंपनीज है उसके ऊपर वो हमला ना करें। ओके तो क्या था यहाँ पे, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। अब जब ये कंपनीज यहाँ पे फोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर देती हैं, अपने जो भी इनके ऑफिसेज हुआ करते थे, इनकी यहाँ पे जो भी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, उसके इर्द गिर्द जो है जब ये फोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं, तो जो लोकल रूलर्स होते हैं, राइट, लाइक यहाँ अगर बंगाल की ही बात करें, जो लोकल रूलर्स होते हैं, अब उन्हें प्रॉब्लम्स यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि ये जो है अपनी पावर को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये अपने जो पैर है वो यहाँ पे गढ़ाते जा रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि अब जो है लोकल रूलर्स के साथ भी जो है इनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। पहले तो यूरोपियन कंपनीज के साथ जो है इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, अब लोकल रूलर्स के साथ भी इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ओके सो कंपनी जो है देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट द ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अब जो है कंपनी को ये मुश्किल लगता है कि वो ट्रेड को पॉलिटिक्स से जो है किस तरह से अलग करे, सेपरेट करे, राइट। तो पॉलिटिक्स में जो है उन्हें घुसना ही पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था मर्सेंटाइल लास्ट स्लाइड में। तो मर्सेंटाइल क्या होती है, एक ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज होती, कंपनी होती है डेट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू दी ट्रेड, राइट। तो वो व्यापार के साथ जो है प्रॉफिट करती है, चीजों को सस्ते रेट पे पहले खरीदती है, देन उसे जो है हायर प्राइसेस पे बेच भी देती है। ओके सो वील कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।